अब मेरी बात ध्यान से सुनो आर्या, तुम किसी भी कीमत पर अपनी असली पहचान इसे नहीं बताओगे, क्लियर? दूसरी बात, तुम्हारे और जानराव के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंकुश जिंदा है। अगर मेरा बस चलता ना तो जानराव को कभी ये पता नहीं चलने देता कि मैं जिंदा हूँ। पर बाबा, काका ने हमेशा हर कदम पर मेरी रक्षा की होगी ना, लेकिन फिर भी वो कमजोर कड़ी है हमेशा से थी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें दोबारा आयरा बनकर सत्या के घर में जाकर अपनी जगह बनानी होगी, क्लियर? बाबा, उन लोगों ने मुझे उस घर से निकाल दिया है, कैसे जाऊंगी? हाँ, अगर युग हमारे प्लान में शामिल होता ना तो ये पॉसिबल था, क्योंकि वो लोग युग पर पूरी तरह से भरोसा करते, एक्या पर। ये लड़का हमारे काम आएगा, ये काम आएगा हमारे। लेकिन कैसे बाबा, आपने तो कहा कि मुझे उसे अपनी असलियत नहीं बतानी है, फिर कैसे? आने से पहले इशारा दे दिया करो कि आ रहे हो, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब हमें और भी सतर्क रहना होगा, कौन मित्र है कौन शत्रु है कहा नहीं जा सकता। कांपना बंद करो, दरवाजा बंद करो। अब प्लान ध्यान से सुनो, साहिब। डॉक्टर ने जई को इंजेक्शन दे दिया है, अभी के लिए शांत हो गई है। मेरे को जई का फिक्र नहीं है, टेंशन वो युग का है कि वो ये टाइम पे किधर है, क्या कर रहा है। साला उसका गाड़ी उधर जंगल में क्या कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ? उसने ही मेरे आदमी लोग को मारा था। यही एक रास्ता है, किसी को तुम पर शक नहीं होगा और तुम फिर से उस घर में जा पाओगी। नहीं बाबा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो युग की जान खतरे में आ जाएगी बाबा। मैंने प्लान पूछा नहीं है, बताया है आर्या। लेकिन बाबा, बस यही एक प्लान है, यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई फूल प्रूफ प्लान नहीं है। अब तुम तय करो, हाँ या ना। हाँ या ना? हाँ बाबा। अगली बार से इतना नहीं समझाऊंगा, भरोसा करने की आदत डाल दो। सारी तैयारियां कर लिए मैंने, कल सुबह होते ही युग को वहां शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? बेटा, तूने उन्हें मना क्यों नहीं किया? मानता हूं वो तेरे बाबा हैं, वापस आ गए हैं। मैं बहुत खुश है बेटा,
लेकिन देख बेटा, वो जो करने को कह रहे हैं ना, वो गलत है। और वो सिर्फ युग के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी गलत है। अरे बेटा, वो अपना एक क्या है, वो ना वो हमारे लिए ही सत्या के खिलाफ लड़ रहा है। बेटा क्यों क्यों तू राजी हो गई? क्योंकि मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है काका। वो सत्या की रग रग से वाकिफ है, वो जो सोचेंगे बिल्कुल ठीक सोचेंगे। ए, इसको देखा था? कल एक गाड़ी निकली थी, इसी रास्ते से गई थी। चलो आगे देखते हैं। मैडम, देखा है क्या? नहीं। उसे पूछते हैं। यहाँ दिखता हूँ। चलो, चलो। जब आप 14 साल तक एक चीख को अपने अंदर दबा कर रखते हैं ना, तो वो अटक जाती है। बाबा दुख और गुस्से के परे चले गए। बेटा मान भी लो, लेकिन वो कानून के परे जाने को भी तैयार लग रहे। हम कुछ राज्यवर्कर जो कभी कानून के पुजारी थे। तो काका, हम उन्हें रोक लेंगे ना। आई प्रोमिस यू, आई विल नॉट लेट बाबा क्रॉस एनी लाइन्स। बाबा जैसे हो गए ना, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। लेकिन फिलहाल हमारा इस प्लान पर काम करना ज्यादा जरूरी है। हम बाबा को दोबारा नहीं खो सकते। दिस प्लान स्टार्ट्स नाउ। जई तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान है बेटा। कल तो रो रो कर अदमरी हो गई थी ना, उसे लगा कि उसने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। वैसे भी शादी कल हो या आज हो, करनी तो है ही ना। अरे क्या हो गया, खुश नहीं हो क्या तुम ये शादी और रिश्ते से? खुश हूं, पर वो शादी ऐसे इतनी जल्दी, आई मीन मुझे नहीं करनी। अरे क्या फर्क पड़ता है, आज करो कल करो, करने का तो है, इरादा है ना, लड़की पसंद है। ऐसी बातें कर रहे पापा? ऑफ कोर्स पसंद है। तो फिर मेरा मतलब है कि मैं शादी अपने तरीके से करना चाहता था। हाँ, रीति रिवाज और रस्में और गेस्ट को इनवाइट करके धूमधाम से तो करेंगे ना, एकदम फुल स्केल में करेंगे तुम्हारे लिए रिसेप्शन शादी का। अभी पहले ये कर लेते, करेंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। ऐसा नहीं है ना कि तुम ये शादी को लेके रेडी नहीं है। पापा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर चलो ना, रेडी हो जाओ, एक घंटे का मुहूर्त है। चलो जाओ भाई राजा, जाओ रेडी हो, चलो जल्दी। पहली बार वो पागल छोकरी ने कोई ढंग का काम किया है। इसके आने से ना, अपने जो इलेक्शन की सारी फंडिंग है और ये रिश्ता होने से सारे काम अपने आसान हो जाएंगे। अभी कल जो लफड़ा हुआ ना, वैसा वापस रिपीट नहीं हो सकता है। गलत है बेटा, कोई कितना भी सदमे में क्यों ना हो, ये ऐसा कोई नहीं करता जैसे अंकुश दादा कर रहे हैं। काका, बाबा जैसे भी है बिल्कुल ठीक है, और वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। 14 साल हो गए काका, मैं आज भी उस सत्या के सामने जाने से कांपती हूँ। मैं सामना भी नहीं कर सकती उसका, मैं बदला क्या लूंगी? इंसाफ की जगह बदले ने कब ले ली बेटा? बाबा, ये लो, यहां से साड़ियां है इसमें। समझ गए आर्या? हाँ बाबा। इट्स टाइम।
बेटा बापा का आशीर्वाद ले लो। हाँ। बाबा वो होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती और सत्या इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा होता। कोई नहीं है, जो करना है हमें खुद करना है। बाबा कम से कम प्रसाद ले लीजिए पापा का। पापा हमें जिताना है और पापा तूने मुझे मेरे बाबा को लौटा दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हो सके तो साथ ही साथ उनका वो पुराने वाला रूप भी लौटा दे प्लीज। वो रूप जिसे तुझमें श्रद्धा थी, वो रूप जो सबसे बहुत प्यार करता था, जिसमें इतनी कड़वाहट और गुस्सा नहीं था प्लीज पापा। मैं सही से शादी नहीं कर सकता मैडम सी, आज तक आपने जो बोला मैंने किया है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इलेक्शन सर पर है लेकिन अब तक कस्तूरी और सत्या के खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने कहा जंगल में कुछ गड़बड़ चल रही है लेकिन तुम देख नहीं पाए वहाँ क्या चल रहा था। तो मैम उसकी सजा दे रहे हैं क्या मुझे सही के साथ शादी करने के लिए कह के? शादी कोई मजाक नहीं होता है, पूरी जिंदगी भर का नाता होता है और ये नाटक नहीं चल रहा है, असली की शादी हो रही है। मुझे पता है सब युग, लेकिन तुम भी तो समझो तुम्हारी शादी से हम कितने लोगों की जिंदगी बचा सकेंगे। युग ये एक मिशन है और तुम एक सिपाही, सिपाही कभी मिशन से पीछे नहीं हटता। मैडम आओ चलो आ जाओ। पंडित जी ये है दूल्हे राजा। मैं सही के साथ शादी के बंधन में नहीं बन सकता, मैं निकल रहा हूं यहां से बस। इस समय मुझे आयरा क्यों याद आ रही है? आज जई की शादी है तो बेला वहिनी को भी ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कम प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर चुकी है, आके और गड़बड़ कर देगी। पहाड़ में जाए ये सब, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर निकलता हूँ। चलो पंडित जी आप चालू करो हा? और फटाफट पढ़ने का। ये शादी नहीं हो सकती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।